नमस्कार दोस्तों, मैं सनी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल अंश एस्टडी गुरु में। दोस्तों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से एक और लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है। जैसे कि जो आपके यूनिक आईडी रजिस्ट्रेशन करने का जो डेट आपका बताया गया था, उसी से जुड़ी ये अपडेट है। उसी के और भी जानकारी कुछ लेकर इस वीडियो में आप सभी के बीच में प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा और एक लाइक करके हमें भी मोटिवेट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं जो आज का नोटिफिकेशन जारी किया गया। जैसे कि ये नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर आपका दिख रहा है और इसमें लिखा है अधिसूचना। और क्या मेंशन किया गया? मेंशन किया गया है, एते द्वारा सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि प्रश्नातक स्तर MA और MSc और MSc AG होम साइंस, MSc AG होम साइंस और MBBS सत्र 2020 और 21 के यूनिक आईडी रजिस्ट्रेशन किए जाने की जो अंतिम तिथि थी वह 14 जनवरी तक थी, लेकिन अभी क्या है उसको विस्तारित कर गया, उनकी डेट बढ़ाया गया है। 22 जनवरी तक आपके यूनिक आईडी रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। उसी के साथ में ये भी बताया गया है, तत्संबंधी महाविद्यालय संस्थानों से अपेक्षा की जाती है कि 22 जनवरी तक पूरित यूनिक आईडी आवेदन पत्रों का ऑनलाइन सत्यापन और वेरिफिकेशन दिनांक 24 जनवरी तक कराना सुनिश्चित कर लें। कहने का मतलब दोस्तों ये कि जो स्टूडेंट अभी तक यूनिक आईडी का रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं, 22 जनवरी तक वो कर लें। जैसे एमए, एमएससी और एमएससी एग्रीकल्चर, होम साइंस और एमबीबीएस सत्र 2021 और 21 की यूनिक आईडी के लिए। उसी के साथ में ये भी बताया गया है कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके 24 जनवरी तक कराया जाएगा, तो आप करा के कंफर्म कर लीजिएगा। तो और कोई लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल अंश स्टडी गुरु को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। ओके ऑल द बेस्ट साथियों, जय हिंद, जय भारत।